फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज बात करने वाला है पोको फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पोको फोन है क्या, और मतलब जहां में लेके आया है ये पोको फोन। और आपको बता दूं बहुत ही कमाल की न्यूज दोस्तों, रिलीज होने वाला है 22 अगस्त को न्यू दिल्ली में, इंडिया में लॉन्च होने वाला है ये फोन। तो है ये कमाल की बात। पिछले एक वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि कहा था कि आएगा इंडिया में, लेकिन बहुत ही जल्दी आ गया है। उस वीडियो की लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो वीडियो को भी। दोस्तों बात करते हैं 22 अगस्त को रिलीज होने वाला है, आखिर क्या है ये पोको फोन और इसके आने से फ्लैगशिप डिवाइस की डेफिनेशन चेंज होने वाली है, तो इसके बारे में बात करते हैं आगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रैम्स, यू आर वॉचिंग आवर टाइम इज नाउ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं पोको फोन के बारे में, आखिर पोको फोन है क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों Xiaomi चेंज करने वाला है पूरी की पूरी फ्लैगशिप डिवाइसेस की डेफिनेशन, क्योंकि Xiaomi लेके आया है एक सब ब्रांड अपने अंदर की, जिसका नाम दिया गया है पोको। यस फ्रेंड्स, ये कोई मतलब एक फोन नहीं है पोको F1, ये पूरी की पूरी ब्रांड है, एक पोको के नाम से एक ब्रांड लेके आया है Xiaomi, और उसके अंदर का उस ब्रांड का एक फोन है F1, और ये रिलीज होने वाला है 22 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब Xiaomi अपनी अंदर एक खुद की सब ब्रांड लेके आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद के साथ कंपटीशन करेगा क्या अब, ऐसा लग रहा है Xiaomi। तो है ये कमाल की बात दोस्तों, इसको मतलब रिप्रेजेंट किया गया है मास्टर ऑफ स्पीड के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अभी सभी के सभी फोन्स है वो स्पीड पे फोकस करेंगे, और मतलब जो मेन स्पीड पे फोकस होगा वो शायद होगा चार्जिंग की स्पीड पे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी अभी हाल ही में ओप्पो ने अपना F9 फोन की जो है उसके बारे में अनाउंस कर दिया है कि वो उसमें होगा वूक चार्जर, और उनका मतलब ये है कि 5 मिनट चार्ज करो और 2 घंटे तक बात करो, इस तरह से वो लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो अभी मतलब मेन फोकस हो जाएगा चार्जिंग के ऊपर, तो ऐसे में भी Xiaomi भी पोको फोन को इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास्टर ऑफ स्पीड। चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। तो फीचर्स बहुत ही कमाल के होंगे बता दूं आपको दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के, प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर होगा, 4000 mAh की बैटरी होगी, AI बेस्ड ड्यूल कैमरा होंगे दोस्तों, और कमाल की बात है दोस्तों। और बात करें दोस्तों तो 6GB रैम होगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज होगी, क्वालकॉम का क्विक चार्जर होगा 3.0, मतलब के चार्जर पर फोकस कर रहे हैं अभी सभी लोग, तो फ्यूचर में शायद होंगे बहुत ही कमाल के डेवलपमेंट्स चार्जिंग की स्पीड में। तो है ये कमाल की बात, MIUI 9 पे वर्क करेगा ये पोको फोन F1। जी हाँ दोस्तों, तो मतलब इतनी ही सारी न्यूज आई है सामने पोको फोन F1 के बारे में। 22 अगस्त को रिलीज होगा, उस दिन आएगी सभी की सभी जो भी फीचर्स है उसके बारे में जानकारी। तो है ये कमाल की बात, तो देखते हैं क्या क्या कमाल का लेके आता है पोको, और पोको फोन की ब्रांड मतलब कहां तक जाती है। ये फोन तो आ गया F1, इसके अलावा और कौन से फोन लाते हैं और प्राइस रेंज क्या रखेंगे वो भी देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज है कॉम्पिटिशन में, चाहे फिर एप्पल हो, सैमसंग हो, अभी तो ओप्पो भी है और वीवो भी है, तो बहुत कंपटीशन है, नोकिया भी आ रहा है, तो ऐसे में Xiaomi अब कैसे अपनी पोजीशन बनाए रखता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार टॉप कर रहा है Xiaomi, आप देख सकते हैं चार्ट में। तो है ये कमाल की बात दोस्तों, देखते हैं कैसे करता है पोको फोन के साथ मार्केट बनाए रखता है Xiaomi। और पोको फोन F1 की अप्रोक्सीमेटली प्राइस करीबन 30,000 के आसपास होगी, ऐसा लग रहा है पहला फोन है लाएंगे कम प्राइसेस में भी फोन, तो ये भी देखने वाली बात होगी कब तक लाते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में था बस इतना ही, आपको कैसा लगा है वीडियो जरूर से बताएं, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को अगर पसंद आया, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल को दोस्तों। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय।